30 अक्टूबर को कैथल में जिला परिषद और ब्लॉक समिति के लिए मतदान होगा, जिसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। पोलिंग पार्टीज को ईवीएम मशीनें दे दी गई हैं, जिन्हें सुरक्षा के साथ पोलिंग बूथ्स पर पहुंचाया जाएगा। सुबह 7 बजे से लेकर 6 बजे तक जिला परिषद और ब्लॉक समिति के लिए मतदान होगा, इसके लिए पोलिंग पार्टीज को ट्रेनिंग दे दी गई है। में हमारी पूरी तैयारी है, पूरी निष्ठा के साथ निष्पक्ष चुनाव कराया जाएगा और प्रशासन की तरफ से भी सारी सुविधाएं मुहैया कराई। तो ट्रेनिंग किस तरह दी गई आपको? ट्रेनिंग हर तरीके से ट्रेनिंग दी गई है कि वहाँ पे कैसे आपको पोल कंडक्ट करवाने हैं, निष्पक्ष चुनाव कैसे करवाने हैं, क्या समस्याएं आ सकती है, उनका समाधान आपके पास क्या है, प्रशासन आपके साथ खड़ा है, सुरक्षा ठीक है? हाँ, सुरक्षा के सभी जो इंतजाम है वो प्रशासन के द्वारा कर दिए गए। आम आदमी पार्टी की उत्तरी हरियाणा जोन की अध्यक्ष चित्रा सरिवारा ने सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का समर्थन किया। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल 11वें दिन लगातार जारी है। अंबाला कैंट नगर परिषद के गेट पर सफाई कर्मचारियों ने भारी संख्या में इकट्ठे होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। निकाय मंत्री से एक बार फिर वार्ता बेनतीजा निकलने के बाद सफाई कर्मचारियों में भारी रोष है। कि हम देखते हैं कि गुजरात चुनाव जो भाजपा का गढ़ और उनका कहते हैं ना प्राइज्ड मॉडल था जिसे दिखाते थे, वो आज कम्प्लीटली हिल चुका है। भाजपा के पैरों तले की जमीन वहाँ पे खिसक रही है और ये इस बात से जाहिर है कि उन्होंने कोई पैंतरा किताब में नहीं छोड़ा है जिसके वहाँ पे वो आम आदमी पार्टी के नेताओं का और नीति का आना, उसका प्रचार होना वो रोक सकें। यही बात कि उन्होंने गुजरात के साथ हिमाचल के चुनाव नहीं कराए साफ दिखाता है कि वो कितने घबराए हुए हैं। गुजरात को भी उनमें आज हिम्मत नहीं कि दो स्टेट में हमारे देश की और दुनिया का सबसे बड़ा संगठन और पार्टी इकट्ठे दो स्टेट में चुनाव लड़ ले। इसको स्वास्थ्य विभाग हरियाणा की ACS अनुपमा अंबाला कैंट सिविल अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंची। यहां उन्होंने अटल कैंसर केयर सेंटर, इमरजेंसी, OPD, IPD, OT और गायन समेत कई विभागों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान OPD काउंटर पर मरीजों की भीड़ देख उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों को तुरंत टोकन सिस्टम लागू करने के निर्देश दिए। क्षेत्र में ज्यादा फैला मिला है, जैसे कालका, पिंजौर, उस एरिया में बहुत ज्यादा मिला है, बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी है। तो उसके लिए दो किस्म के हैं, एक तो प्रिवेंटिव मेजर्स कि मच्छर ज्यादा फैले ना, उसके लिए तो स्वयं हमको सफाई रखनी है और म्यूनिसिपल बॉडीज जो है उन्होंने फॉगिंग करनी है, सफाई रखनी है, मच्छर नहीं फैलने देना है। तो इसके लिए जितना एक्टिविटीज करना है सारे जिला प्रशासन को हम साथ में लेकर के, हर DC's को, म्यूनिसिपल कमिश्नर्स को लेके काफ़ी हमने कदम उठाए हैं। दूसरा है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में तो हमारे हॉस्पिटल्स बहुत ही सक्षम है, हमारे डॉक्टर्स बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे हैं और जहाँ जहाँ उनको ब्लड की भी ज़रूरत पड़ रही है और किस तरह की। भारत के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद गुगन सिंह को बसई चौक के नामकरण के कार्यक्रम के दौरान बसई गांव के ग्रामीण और उनके परिजनों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। साथ ही बसई चौक का नामकरण किया गया। इस मौके पर मेयर, पार्षद समेत ग्रामीण मौजूद रहे। बसई चौक को शहीद गुगन सिंह कटारिया के नाम से अब जाना जाएगा। देखो, पिछले एक साल से लगभग हमारी इस चौक की डिमांड थी और पूरे गांव की डिमांड थी। शहीद गुगन सिंह जी जो हमारे 62 की लड़ाई में शहीद हुए थे और आज का दिन बसई गांव के इतिहास में लिख दिया गया है, क्योंकि आज के बाद इस चौक का नाम शहीद गुगन सिंह के नाम से जाना जाएगा और ये दिन बसई गांव के इतिहास में और इस परिवार के इतिहास में एक अहम दिन रहेगा कि गुगन सिंह जी ने जो अपनी शहादत 62 की लड़ाई में जो दी थी और गाँव का नाम जो गौरवान्वित किया था आज। महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने पलवल में सत्या कॉलेज में महिला सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया और परीसा शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता हरियाणा राज्य बाल कल्याण भवन चंडीगढ़ की मानद उपाध्यक्षा परीसा शर्मा ने की। कार्यक्रम का आयोजन सत्या इंजीनियरिंग कॉलेज में जिला भाजपा पलवल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रकोष्ठ के जिला संयोजक संतोष शर्मा योगाचार्य ने किया। आज सत्या कॉलेज पलवल में मेरा आना हुआ, मैं धन्यवाद करती हूँ सत्या कॉलेज की टीम को और संतोष शर्मा जी को जिन्होंने इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज़ किया। और मेरे लिए आज का कार्यक्रम एक गेस्ट की तरह नहीं, एक सीखने वाले स्टूडेंट की तरह रहा, क्योंकि जितनी भी महिलाओं को मैंने सुना और जिन्होंने जो जो भी अपने फील्ड में काम कर रही हैं वो एक बहुत ही सराहनीय कार्य है, क्योंकि मैंने कुछ औरतों को बोलते हुए सुना तो मुझे ऐसे लगा कि कितनी गहराई से ये महिलाओं की या समाज की हेल्प कर रही हैं। तो मैंने आज बहुत कुछ इस कार्यक्रम से सीखा और मुझे लगता है कि मैं बहुत सी चीज़ों का उपयोग भी करूंगी अपने कार्यक्रमों के लिए। और इसी तरह से अगर महिलाएं जागृत रही तो
तो मुझे नहीं लगता कि उनकी जो थर्ड जनरेशन है यानी आज जो महिला आई है उसकी पोती या धोती किसी तरीके से कहीं पिछड़ेगी, क्योंकि जब एक दादी और नानी आज के युग में सत्य सटीक बेबाक